दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नोवेल को डिस्कस करेंगे, द ओल्ड मैन एंड द सी। इस नोवेल को लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। इनका टाइम पीरियड आता है 1899 टू 1961। इस नोवेल में एक ओल्ड फिशरमैन सेंटियागो होता है और उसका एक यंग असिस्टेंट आता है मैनोलिन नाम का। इन दोनों के ऊपर ही पूरी नोवेल बेस्ड है। मैनोलिन सेंटियागो की बहुत हेल्प करता है। ये नोवेल हेमिंग्वे के ग्रेट वर्क में से एक है और इसको लिटरेचर नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। नोवेल स्टार्ट होती है सेंटियागो से। सेंटियागो एक फिशरमैन है। सेंटियागो जब भी समुद्र में फिशिंग करने जाता तो अपने साथ एक असिस्टेंट को ले जाता, और असिस्टेंट का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैनोलिन होता है। पिछले 84 डेज से सेंटियागो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है। इस वजह से मैनोलिन के पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि अब मैनोलिन को सेंटियागो के साथ फिशिंग करने नहीं भेजेंगे। सभी लोग सेंटियागो को इनकेपेबल और अनलक्की कहकर चिढ़ाने लग गए, बट इस बात से सेंटियागो को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटियागो शरीर से भले ही पतला दुबला है, पर इरादों से मजबूत है। बहुत ही हार्ड वर्किंग टाइप का मैन है। मैनोलिन अपने पेरेंट्स के कहने पर दूसरी नाव पर मछली पकड़ने के लिए जाने लग गया, और इस वजह से उसके पास थोड़े पैसे भी आ गए। बट मैनोलिन को अपने एक्स ट्रेनर सेंटियागो की बहुत याद आती है और उसकी बहुत चिंता भी होती है। एक दिन मैनोलिन सेंटियागो के घर पर जाता है। सेंटियागो के घर में सिर्फ सेंटियागो अकेला ही रहता है। सेंटियागो की वाइफ तो कब की मर चुकी थी। सेंटियागो ने अपनी वाइफ की फोटो दीवार से हटा ली, क्योंकि जब भी वह उस फोटो को देखता सैड हो जाता था। सेंटियागो और मैनोलिन दोनों आपस में बेसबॉल मैच को लेकर बातें करने लग जाते हैं। सेंटियागो थोड़ी देर बाद सो जाता है और 85वें दिन पर मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। इस बार सेंटियागो को पूरा ट्रस्ट है कि उसे 1000 पौंड की बड़ी मछली उसके जाल में फंसेगी। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। समुंदर में सबसे आगे सेंटियागो की नाव थी। सेंटियागो ने समुंदर में 3-4 जाल फेंक दिए और इंतजार करता रहा किसी बड़ी मछली के पकड़े जाने का। फिर थोड़े टाइम बाद सेंटियागो के पास एक सी बर्ड मंडराने लग गया। सेंटियागो परेशान हो गया। एक तरफ तो ये बर्ड, दूसरी तरफ मछली का जाल, और ऊपर से धूप भी काफ़ी तेज थी। थोड़ी देर बाद सेंटियागो के एक जाल की रस्सी कुछ कसी हुई सी लगी। इसमें लगभग 10 पाउंड वजन की मछली फंसी होगी। अब यहाँ पर सेंटियागो ने मैनोलिन की ज़रूरत महसूस की। उसे लगा कि काश मैनोलिन यहाँ पर होता तो उसकी हेल्प कर देता। सेंटियागो को अकेले फिशिंग को पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही थी। सेंटियागो अपनी पूरी ताकत से जाल में फंसी मछली को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, बट मछली काफ़ी भारी है तो सेंटियागो अकेला नहीं खींच पा रहा। अब सेंटियागो ने सोचा कि यह मछली जब पूरी तरह से थक जाएगी तो उसको बाहर की तरफ खींच लेगा। सेंटियागो मछली के थकने का वेट करने लग गया। 4 घंटे हो जाते हैं, मछली तो थकी नहीं, उल्टा वे नाव को अपनी तरफ खींचने लग गई। सेंटियागो हार मानने वालों में से नहीं था। उसके हाथ में रस्सी पकड़ने से पेन स्टार्ट हो गया, बट उसने गिव अप नहीं किया। लगभग 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन जो फिश है वो पहले की तरह ही पावरफुल नज़र आ रही थी। फिर अचानक मछली एक झटका मारती है। सेंटियागो रस्सी को ढीला कर देता है। अगर वे ऐसा नहीं करता तो खुद भी पानी में गिर सकता था। सेंटियागो के हाथों से खून निकलने लग जाता है। सेंटियागो भगवान को याद करने लग जाता है और वो भगवान से प्रे करता है कि कैसे भी करके इस मछली को पकड़वा दो। सेंटियागो अकेला पड़ गया था। उसने फिर मैनोलिन को मिस किया। फिर एक बर्ड उसकी नाव पर आ जाती है। सेंटियागो उससे बात करना स्टार्ट कर देता है ताकि उसका अकेलापन थोड़ा कम हो सके। फिर बर्ड भी कहीं उड़ गई। सेंटियागो ने मछली से लड़ने के लिए थोड़ा सा खाना खाया ताकि उसकी बॉडी में वापस पावर आ सके। लगभग 2 दिन और 2 रात बाद मछली थक गई थी और सेंटियागो ने इतनी बड़ी मछली कभी नहीं देखी थी। सेंटियागो ने उसको मारने का ट्राई किया। थोड़ा मुश्किल था, बट सेंटियागो ने कर दिखाया। फिर मछली को नाव के आगे बांध दिया। शाम पड़ चुकी थी। सेंटियागो बहुत खुश दिख रहा था।
उसने सोचा घर जाकर मैनोलिन के साथ इस मछली को बांटेगा। जब सेंटियागो मरी हुई मछली को ले जा रहा था तो रास्ते में एक शार्क ने मरी हुई मछली पर अटैक किया, पर सेंटियागो ने उस शार्क को भी मार दिया। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है, सेंटियागो ने जिस वेपन जिसका नाम आता है हार्पून से शार्क को मारा था, वे वेपन शार्क के साथ ही समुद्र में बह गया। सेंटियागो सोचने लगा कि अगर कोई और शार्क आ गया तो उसे कैसे मारेगा। कुछ समय बाद दो छोटे छोटे शार्क आते हैं और बड़ी मछली को खाना स्टार्ट कर देते हैं। सेंटियागो उन दो शार्क को मार देता है, पर उन शार्कों ने मछली का अधिकतम पार्ट खा लिया। अब होता यूं है कि एक के बाद एक शार्क आते गए, मछली को खाते गए। सेंटियागो उनसे लड़ता गया और इसके साथ साथ सेंटियागो अपने सभी वेपन्स भी उनके साथ खोता चला गया। रात हो चुकी थी, सेंटियागो के पास अब कोई भी वेपन नहीं बचा। शार्क मछली को खा रहे थे, सेंटियागो पूरी तरह से थक चुका था। आखिरकार वे किनारे तक पहुंच गया, मछली की सिर्फ ढांचा बचा हुआ था, पूरा मांस शार्क खा गए। सेंटियागो सोने चला गया। सुबह मैनोलिन सेंटियागो के लिए कॉफ़ी लेकर आया था। सेंटियागो ने मैनोलिन को पूरी स्टोरी बताई और जो बाकी के फिशरमैन होते हैं वो सेंटियागो की नाव के पास जाते हैं। वहाँ पर जो मछली का ढांचा पड़ा हुआ है उसे देखकर वो सरप्राइज हो गए, क्योंकि यह लगभग 18 फीट लंबी एक मछली थी। एट द एंड सेंटियागो नेक्स्ट डे किसी बड़ी मछली की खोज में निकलेगा, बट इस बार यंग बॉय भी उसके साथ चलेगा। और इसी के साथ ये नोवेल एंड होता है।